आज इस बात की अति आवश्यकता है कि हम सभी जल का संरक्षण करें, जल का संचयन करें और जल का प्रबंधन करें, क्योंकि जल है तभी हमारा जीवन है। और जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या मानव जीवन तभी संभव है जब जल सुरक्षित होगा। इसलिए हम सबों का दायित्व है कि जल को बचाएं और जल को संरक्षित करें। मैं सूरज कुमार वर्ग 11 का छात्र हूं। मुझे आज भी याद आता है जब मैं वर्ग 7 में था तो मेरे कला शिक्षक श्री राजेश कुमार जी ने हम लोगों के बीच में जल संरक्षण के लिए एक मंच स्थापित किए थे जो कि इस विषय पर था कि जल को संरक्षित कैसे किया जाए, और वह एक सैंड आर्ट के जरिए था। तो मुझे जल संरक्षण के बारे में उस समय में मुझे बहुत अच्छी जानकारी हुई थी और मैं ये चीज को हमेशा याद रखूंगा और मुझे बहुत अच्छा। नदियां सूख रही भाई, ये बताइए आज धरती पर जितनी भी पावन नदियाँ थी, जीवन दायिनी नदियाँ थी, सभी सूख रहे हैं, संकट से जूझ रहे हैं और लोग उसको प्रदूषित कर रहे हैं। आपने सोचा है कभी बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में लोग प्यूरीफायर वाटर लगाकर जीते हैं? ये बहुत दुखद बात है, इसलिए हम लोगों को आज प्रण लेना होगा कि जल का संरक्षण करना है और जल को बचाना है। जल को बचाना है और जल का संरक्षण करना है। लोग आज सब मिलकर कसम खाते हैं, एक साथ बोलिए, हम लोग कसम खाते हैं जल का संरक्षण करेंगे और उसको बर्बाद क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। नदियाँ सूख रही है भैया, सूख रही है भैया, कैसे भैया।